आईपीएल 2024 ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों के लिए एक वरदान की तरह साबित हो रहे हैं। इस आईपीएल में ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे खिलाड़ी अब फॉर्म में आ गए हैं। ऐसे ही एक खिलाड़ी है दिल्ली का जैक फ्रेसर, जिसने अब आईपीएल 2024 में सबसे तेज अर्धशतक मार दिया है। अगर बात करूं उस मैच के बारे में तो आईपीएल का 43वां मैच मुंबई और दिल्ली के बीच खेला गया। इस मैच में मुंबई ने टॉस जीतकर दिल्ली को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया। दिल्ली के लिए अभिषेक पोरल और जैक फ्रेसर ने पारी की शुरुआत करी। दोनों ने बहुत ताबड़तोड़ शुरुआत करी। जैक फ्रेसर ने इस मैच में 15 बॉलों में अर्धशतक मार दिया और साथ ही फ्रेसर ने 23 गेंदों में 44 रन की पारी खेली, जिसमें 6 छक्के शामिल थे। इसके साथ अभिषेक पोरल ने भी 23 बॉलों में 36 रन बनाए और दिल्ली के लिए साई होप ने 17 बॉलों में 5 छक्कों मदद से 41 रन की पारी खेली। इसके साथ साथ कमतार पंत ने भी 19 गेंदों में 29 रन की पारी खेली। साथ ही मैच को फिनिश करने का काम किया रिबस स्टुबिस ने 35 बॉलों में 48 रन की पारी खेली, जिसके दम पर दिल्ली की टीम 20 ओवर में 257 रन का टारगेट खड़ा कर सकी। दिल्ली की टीम ने इस सीजन दूसरी बार 250 प्लस स्कोर बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। के लिए रोहित शर्मा और साई किशन ने पारी की शुरुआत करी, लेकिन दोनों इस मैच में कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। लेकिन तिलक वर्मा ने एक बार फिर से इस मैच में अपना दमखम दिखाया और तिलक वर्मा ने 32 बॉलों में 63 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। तिलक वर्मा के साथ साथ कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी 24 बॉलों में 46 रन की पारी खेली, लेकिन हार्दिक पांड्या भी टीम को जीत दिला नहीं सके। इसके बाद टिम डेविड ने भी 17 बॉलों में 37 रन बनाए, लेकिन इसके बावजूद भी मुंबई की टीम यह मैच मात्र 10 रन से हार गई। मुंबई की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 247 रन बना सकी और यह मैच 10 रन से हार गई। दिल्ली के लिए जैक फ्रेसर को इस मैच से मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।